शैम्पू और सर्फ से भींग चुकी है। क्लीन हो गया। अभी हम लोग चाईबासा पहुंच चुके हैं और स्वागत है आप लोगों का अपना YouTube चैनल झारखंडी राइडर एंड हितेश मिश्रा ब्लॉग्स में। आज को चाईबासा इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी जो श्यामली है इसकी पहली सर्विसिंग होने जा रही है और गाड़ी ऑलरेडी जो है अभी 1162 चल चुकी है। तो 1000 में कराना था और इसका अभी एक महीना पूरा भी नहीं हुआ, इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि पहले ही करवा लेने का, क्योंकि फ़ोन भी आ गया था सर्विस सेंटर से कि आप लोग आकर के सर्विस करवा लीजिए और गाड़ी में अभी क्या क्या काम होता है ये चीज़ आप लोगों को पता चलेगा। चलिए बताइए आप लोग। तो अभी हमारी गाड़ी जो है 1162 चल चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, बाइक की सर्विसिंग अभी चालू हो चुकी है। ये जैसे यहाँ पर क्लच का हमारा प्रॉब्लम था वो भी अभी हो गया। अभी भाई चेक कर रहा है मोबिल, चेक कर रहा है कि चेंज करेगा चेन का दोहरा। अच्छा, चेन का। क्या भैया, अब इसका मोबिल पलटी होने वाला है, मोबिल होने वाला है इसका चेंज। एंड सबसे अच्छा चीज अभी ये देखिए, ये है हमारा गाड़ी का लेग गार्ड। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा FZ वर्जन 3। तो लेग गार्ड भी आ गई है, अब लेग गार्ड के साथ में होने वाला है एक्सपेरिमेंट। क्या होगा अभी समीप बताएंगे। ओ काला पानी, श्यामली का पहला मोबिल चेंज हो रहा है आज को। मोबिल फिल्टर, मोबिल फिल्टर। अच्छा, इधर को है अपना मोबिल फिल्टर। अभी फिल्टर को देखा जाएगा कि फिल्टर ठीक है कि नहीं है। क्या है, ठीक है, खराब है? सर्विसिंग के साथ साथ मोबिल फिल्टर भी चेंज होता है। हाँ, देख के भाई वॉशर कटना नहीं चाहिए ना। इस जगह में लगता है अपना मोबिल फिल्टर, मोबिल पूरा खत्म हो गया। ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये है मोबिल फिल्टर अपना। मोबिल पे हम लोग का जो लगने वाला है वो यामाहा का ओरिजिनल मोबिल लगेगा, स्पोर्टी प्रीमियम, और साथ में लगेगा हमारा एक मोबिल फिल्टर। क्या समीर भैया? हाँ। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं ये देखिए यामाहा लियो, हाँ स्पोर्टी प्रीमियम है, ओरिजिनल यामाहा की है और प्राइस भी जेन्युइन है, प्राइस भी जो है जेन्युइन है। क्या भैया? 430 की आती है और इस गाड़ी में लगने वाला है 1 लीटर, है ना? सही है, काफ़ी सही है। और साथ में लगेगा एक मोबिल फिल्टर, ये भी यामाहा की है। ये देखिए आप लोग, यामाहा की ये भी है। तो अंकल बोल रहे हैं थोड़ा सा झुकाना होगा क्या? मोबिल भी दे रहे हैं। हाँ भाई, थोड़ा बढ़िया सा साफ कर देना इसको, ठीक है? ये किससे साफ कर रहा है? पेट्रोल, पेट्रोल से। ओहो, श्यामली पे महंगा खर्चा, 83 रुपया का खर्चा श्यामली पे। ये देखिए आप लोगों, चेन जो है वो साफ हो रही है, ये देखिए क्लीन हो रही है। काफ़ी डस्ट हो गया था, बहुत मतलब इतना ये चला है कि पूरा डस्ट से भर गया था, अभी साफ हो जा रहा, बढ़िया। पूरा क्लीन हो गया। अब लगने वाला है हमारा मोबिल, ये मोबिल का खुल गया। बाहर की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये अपना जो सर्विस सेंटर प्लस शोरूम है इसमें चल रही है काम, आप लोग जैसे देख सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आएगा, इग्नोर कीजिएगा। मोबिल काफ़ी पतला है। काफ़ी पतला मोबिल, इसी से पता चलता है कि कितना फिल्टर वाला रहता है ये मोबिल।
क्या समीर भैया, मोबाइल देखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही फिल्टर वाला है क्या? अच्छी क्वालिटी की है। अच्छा क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी है। चेन लूज है क्या? बाइक का वो काफ़ी लूज था तो अभी चेन को टाइट कर दिया गया है। चेन में जितना भी डस्ट अपना जमा था वो सारा डस्ट अब ख़त्म हो गया है। ये देखिए तो अब लगने वाली है श्यामली में लेग गार्ड। उधर पर है, यहाँ पर एक स्क्रू है जो कि लेग गार्ड को खोलेगी, मतलब लेग गार्ड के लिए ही है वो। ये बच्चा पकड़ा हुआ है लेग गार्ड। क्या लेग गार्ड पकड़ा हुआ है? अब ये लेग गार्ड होगा फिट। तो ये लेग गार्ड अब फिट हो रहा है दोनों साइड से। शोरूम पूरा चेंज हो गया। शोरूम का है इंस्पिरेशन में बुला रहे हैं आप लोग। हाँ। बोले थे अंचल भी अभी। शोरूम का हो रहा है काम। श्यामली का भी होने वाला है पहला स्प्रे वॉशिंग। क्या भैया, शोरूम में नहीं होने के कारण से अभी इसमें पहली बार यहाँ पर बाहर में किया जाएगा। गाड़ी की स्थिति आप देख लीजिए, काफ़ी गंदी है। चालू, पहले गीला किया जाएगा, हर एक जगह से मिट्टी को हटाया जाएगा एंड फिर उसके बाद में सुखाया जाएगा। काफ़ी अच्छी तरह से धुलाई हो रही है। पूरा प्रेशर दे के धोया जा रहा है, बढ़िया है। शोरूम में काफ़ी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इस कारण से उसमें धुलाई का फैसिलिटी नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा कि आप लोग चलिए बाहर में ही धुला दिया जाएगा, तो इसीलिए अभी बाहर पर ही ये धुलाई हो रहा है। बट जो भी हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा चीज़ होता है और वो आज यामाहा के शोरूम वाले ने पूरा प्रूव कर दिया है। काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू अंचल भैया एंड थैंक यू अंकल जी, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम करके दिया। गाड़ी पूरा तरह से भींग चुका है। तो समीर भैया कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा हम खुद नहा रहे हैं। एक्चुअली मैं नहा रही है मेरी श्यामली। हाँ, फीलिंग हम इंजॉय हम कर रहे हैं। सही में पहली बार मतलब स्प्रे से धुला रहा है क्या? हाँ, प्रेशर वाटर से धुला रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, एकदम मतलब बारीकी से खोजा जा धोया जा रहा है। भैया भी जो है पूरा ढूंढ के मिट्टी को खोज के मार रहे हैं, खोज करके उसमें प्रेशर दे करके साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ, देखा जाए क्या भैया। हाँ, नहाने के बाद का क्या सीन होता है। श्यामली में लग रही है शैम्पू और शैम्पू के साथ साथ ब्रश जो कि उसके चक्का को पूरा अच्छा से रगड़ रहा है। क्या भैया, और समीर भैया को यही बोलना भी था, थोड़ा अच्छा से साफ सफाई के लिए बोलना था मुझे। हाँ, तो जो कि हो भी रहा है। एक्सपर्ट हैं ही, पहले से ही कुछ बोलने की और जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे चल रहा है अभी शैम्पू से धुलाई, फिर उसके बाद में फिर से स्प्रे पानी से एक बार धो दिया जाएगा एंड फिर उसके बाद में सूखा कपड़ा से पोंछा जाएगा। हाँ, ताकि गाड़ी में कोई भी पानी ना रहे, है ना। तो ये अब पूरे तरह से शैम्पू और सर्फ से भींग चुकी है एंड वहाँ से अब आ रहा प्रेशर। अब इस पे लगेगा प्रेशर, तो अच्छा खासा प्रेशर है। थोड़ा सा दूर हो जाते बाबा, रिस्क नहीं लेने का। ये देखिए धुलाना चालू। ओह क्या लग रहा है, क्या भी है।
इतना जोर का प्रेशर है कि टायर तक घूम जा रहा है। कितना रेंज में घूम रहा देख रहा है? पूरा स्पीड में घूम रहा है एकदम। ये गाड़ी का पहला सर्विसिंग था एंड इसके बाद में अब डायरेक्ट ये गाड़ी का सर्विस होने वाला है 3000 किलोमीटर बाद या फिर 150 दिन तो वही लमसम मान के चलिए। तब तक में तो मेरे को भी लग रहा है 3000 किलोमीटर हम लोग सफर हो जाएगा क्या भी? हाँ आराम से हो जाएगा। अभी धुलाने के बाद में सूखा पुछाई हो रहा है, काफ़ी चमक गया। जितना भी मिट्टी था या जितना भी डस्ट था सब धुला गया, देख सकते हैं आप लोग। शाइन अलग ही शाइन दे रहा है सब जगह में, हर एक जगह पर जो है वो पोछाई हो चुका, धुलाई हो गया। बहुत बड़ा खुशी मिल रहा है कि 1200 किलोमीटर अभी चल गया है हमारा श्यामली, जो आज को ही सर्विसिंग हुआ है। तो इसीलिए अभी हम लोग रुक करके एक बोले कि एक वीडियो शूट कर लेते हैं ताकि ये याद हमारा बाद में भी पता चले कि हाँ हम लोग किस तरह से एक 1200 वाला जो अचीवमेंट है उसको कंप्लीट किए थे। तो चलते हैं अब घर की ओर, शाम के बच गए हैं 4:51 मतलब 4:51 हो गया है। तो अभी हम लोग को घर चलना है, लेट काफ़ी हो गया है, तो चलते हैं अभी घर की ओर। शाम हो चुका है और हम लोग घर को पहुंच चुके हैं, काफ़ी टायर्ड है। समीर भैया एडिटिंग में लगे हुए हैं एंड कल को उनका चैनल में एक व्लॉग आ रहा है। ये कौन सा व्लॉग रहेगा भैया? देखते हैं इसको क्या नाम देंगे। मतलब ये बोकारो वाला रहेगा? बोकारो वाला 14 तारीख मकर संक्रांति वाला व्लॉग तो रहेगा ये। तो मकर संक्रांति वाला स्पेशल व्लॉग रहेगा और जिसमें हम लोग गए हुए थे क्या नाम था, दौल घाटा, तो वहाँ गए हुए थे। तो फिर उसका व्लॉग रहेगा, तो आप लोग देखिएगा जरूर से झारखंडी राइडर चैनल और हितेश मिश्रा व्लॉग्स को जरूर से सब्सक्राइब करें। इसी के नोट पे करते हैं हम लोग अपना वीडियो क्लोज और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।